हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आ गया अपना एक और वीडियो लेके इस रिवीजन सीरीज में, जिसका नाम है डायरेक्ट टेक्स स्मार्ट रिवीजन। इस सीरीज में हम बहुत स्मार्टली डायरेक्ट टेक्स के चैप्टर्स रिवाइज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, दैट इज चैरिटेबल ट्रस्ट। तो बहुत जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं आज अपने खुद के स्टूडियो में नहीं हूँ, तो हो सकता है आपको क्वालिटी में थोड़े डिफरेंस मिले। सेकेंड चीज़, इस रिवीजन के पहले जो वीडियोस हैं वो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में वो चेक कर सकते हैं आप। एंड इसका चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक लिस्ट बना के दो एडजस्टमेंट की, तो वो मैंने ट्राई किया। बट उसमें क्या होता है कि बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे देखे, पढ़ने की कोशिश की, बट उसमें ना बहुत रेपिटेटिव है एडजस्टमेंट्स, तो उसके एडजस्टमेंट लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। ये चैप्टर वैसे ही बहुत छोटा है और पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करना है। तो इसलिए मैंने इसका नॉर्मल रिवीजन वीडियो बनाया, इसके एडजस्टमेंट लिस्ट नहीं बनाई है। तो जल्दी से अपन फटफट रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। तो चैरिटेबल ट्रस्ट में सबसे पहले अपन जानते हैं चैरिटेबल पर्पस क्या होता है। तो चैरिटेबल पर्पस में 6 चीज़ें आती है। फर्स्ट आता है रिलीफ ऑफ पुअर, सेकंड आता है मेडिकल रिलीफ, थर्ड आता है एजुकेशन, फिर होता है योगा, योगा से ही होगा, फिर आता है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, एंड लास्ट आता है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, अब ये जो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, इसमें क्या होता है कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी नाम पे लोग कुछ भी करने लगे थे, मतलब कुछ भी बिजनेस कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे ये बोल के कि ये तो जनरल पब्लिक यूटिलिटी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक वो निकाला, कैश निकाला कि एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू, अगर उसमें ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस है तो वो चैरिटेबल पर्पस कब होगा, तभी होगा जब एग्रीगेट रिसीव्स फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट मोर देन 20% ऑफ टोटल रिसीट्स। मतलब जो अपना ट्रस्ट की टोटल रिसीट्स है उसमें से जो बिजनेस एक्टिविटी की रिसीट है वो 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20% ज्यादा हुई तो वो चैरिटेबल नहीं माना जाएगा वो चीज़, एंड उस साल के लिए एग्जेम्पशन डिनाई कर दिया जाएगा, उस साल के लिए ट्रस्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बट ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस साल के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, किस चीज़ पे, अगर जैसे मान लो आपकी टोटल रिसीट्स 100 करोड़ है और ये बिजनेस से मान लो 18 करोड़ है रिसीट्स, ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस से जीपीयू के, तो उस केस में चैरिटेबल माना जाएगा। बट 18 से अगर 21 हो गया, 22 हो गया, तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, लिखा है मैंने कि उस साल का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा बट रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब सेक्शन 11(1) में आते हैं इनकम ऑफ ट्रस्ट में। तो ट्रस्ट की ये सब इनकम एग्जेम्प्ट होती है, क्या क्या, एक तो कॉर्पस डोनेशन, अगर ट्रस्ट को कोई कॉर्पस डोनेशन मिला किसी से तो वह एग्जेम्प्ट होता है। सेकंड होता है 15% ऑफ ग्रॉस इनकम, ये अपन पहले से ही 15% हटा देते हैं ग्रॉस इनकम में से ट्रस्ट की। एंड थर्ड होता है इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया, बचे हुए 85% में से। और देखो कॉर्पस डोनेशन मिला वो तो एग्जेम्प्ट ऑलरेडी, बचे हुए जो इनकम है उसमें 15% अपन हटा देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, बचता है 85%। अब उसमें से भी आपने जो अप्लाई कर लिया चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए वो हटा देते हैं, मतलब वो भी अप्लाई माना जाता है, वो भी एग्जेम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें, मैंने यहाँ पे लिखा कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट भी लिख सकता था बट थोड़ा इंटरेस्टिंग बना था आपके नोट्स, तो ऐसे अपन महत्वपूर्ण बोलते तो याद रहता है इसलिए लिखा हुआ ऐसा। तो अब अप्लाइड का मतलब क्या है, ठीक है, अप्लाइड का मतलब है आप जो भी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस करेंगे चैरिटेबल नेचर के, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए, वो इसमें अप्लाइड माना जाएगा। सेकंड, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12A, मतलब दूसरे ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया तो भी वो चैरिटेबल, मतलब अप्लाइड माना जाएगा। और रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, मतलब अगर एक्विजिशन किया है कैपिटल एसेट्स का, उसके लिए कोई लोन लिया है, उसका अगर रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो भी अप्लाइड माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोला है एक चीज बताओ कि डोनेशन टू अदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, इसको अप्लाइड माना जाएगा। मतलब जैसे आपकी एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट से आपके ट्रस्ट ने दूसरी ट्रस्ट को अगर कुछ डोनेशन दिया तो आपको वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा, आपके लिए वो अप्लाइड माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरे ट्रस्ट के हाथ में इनकम आई, आपसे डोनेशन लिया दूसरी ट्रस्ट ने, तो वो इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है, बट अब एक बात सुनो, अगर आपने दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन दिया एज अ कॉर्पस,
ठीक है। तो अब ऐसा कॉर्पस उसके हाथ में आया, ऐसा कॉर्पस, तो अब अभी अपन ने पढ़े कि कॉर्पस डोनेशन तो एग्जेम्प्ट होता है, मतलब जब आपने डोनेशन दिया एज अ कॉर्पस तो दूसरी ट्रस्ट के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो गया, इसीलिए आपको अप्लाइड माना जाएगा क्या वो? आप सोचो एक बार, आपने, फिर से बोलता हूँ, आपने कॉर्पस डोनेशन दिया दूसरी ट्रस्ट को, ठीक है, तो दूसरी ट्रस्ट के हाथ में क्या हुआ? एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आपके हाथ में उसको अप्लाइड नहीं माना जाएगा, दोनों जगह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स ही नहीं लगेगा ना कहीं पे भी। तो देखो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, ये अप्लाइड में आता है, बट कॉर्पस डोनेशन अप्लाइड में नहीं आएगा, समझा? सिंपल। चलो अब एक और बात है कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा, उसकी कॉस्ट अपन ने ऑलरेडी अप्लाई में ले लिया है, तो उसका डेप्रिसिएशन अप्लाइड में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 40AIA, 40A3 एंड 40A3A, ये एप्लीकेबल है। मतलब क्या 40AIA क्या होता है? TDS का सेक्शन होता है कि TDS नहीं काटा अगर, और या फिर TDS काटा पर गवर्नमेंट को नहीं भरा तो डिसलाव होता है। 40A3 10,000 से ज़्यादा पेमेंट किसी को, 40A3 जो एक्रू हो जाता है बाद में पेमेंट अपन करते हैं 10,000 से ज़्यादा कैश में। तो ये जो तीनों सेक्शन है ये भी इसमें एप्लीकेबल, ये PGBP के सेक्शन है, ये भी इसमें एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपने इन तीनों सेक्शन में या तो किसी का TDS नहीं काटा, या फिर काटा है जमा नहीं किया गवर्नमेंट के पास, या आपने किसी को 10,000 से ज़्यादा पेमेंट कर दिया एक दिन में, तो ये चीज़ें अप्लाइड में नहीं आएगी, समझे? तो ये लिखा है अगर ये तीनों सेक्शन अगर फॉलो नहीं किया तो अप्लाइड में नहीं माना जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी, जो अपन ऊपर से अपन फिर से एक बार देखते हैं, अपने कॉर्पस डोनेशन मिला एग्जेम्प्ट है, अपने 15% हटा दिया, 85% जो मिला बचा हुआ है, 85% उसमें से अपन ने कुछ कुछ अप्लाई कर दिया, अब बचा हुआ जो होता है वो टैक्सेबल करते हैं। बट क्या होता है कि 85% में से कभी कभी अप्लाई नहीं हो पाता है, और ऐसा होता है कि कभी इनकम फंस जाती है या फिर कुछ भी रीज़न होता है, उस कारण हम अप्लाई करने वाले तो रहते हैं बट अपने अप्लाई कर नहीं पाते, तो उस केस में एग्जम्पशन मतलब अप्लाई माना जा सकता है क्या? तो हाँ ऐसा है, देखो यहाँ लिखा मैंने, अगर 85% अप्लाई नहीं हो पाया तो भी अप्लाइड माना जा सकता है। कैसे? देखो दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग है या तो एनी अदर रीज़न है। अगर आपको पैसा आया ही नहीं है, अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब आप पैसा आया नहीं तो अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है? मतलब पैसा आने वाला था, मतलब आपने अक्रू कर लिया, आपने इनकम पर दिखा दिया उसको, बट वो तो पैसा ही नहीं आया है तो आप अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है? तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसएससी को, AO को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमको पैसा ही नहीं मिला अभी तक, भाई पैसा नहीं मिला हम क्या करें, ठीक है? AO को बताएंगे अपने अपनी दिक्कत। फिर कब तक देना पड़ेगा ये? तो ड्यू डेट ऑफ ROI के पहले सबमिट करना पड़ेगा डिक्लेरेशन एसएससी को, AO के पास ड्यू डेट ऑफ ROI के पहले ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा भाई कि हमको पैसा अभी तक नहीं मिला है, ठीक है? तो AO भी भाई थोड़ा मतलब दिलदार आदमी बोलेगा चलो कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिला ना, तुम्हारी गलती नहीं है, अब जब तुमको मिलेगा उस साल अप्लाई कर देना, मतलब उस साल खर्चा करने दा, खर्चा कर देना, और या फिर उसके नेक्स्ट ईयर खर्चा कर देना। बट उसके अगर नेक्स्ट ईयर तुमने खर्चा नहीं किए तो उसके नेक्स्ट ईयर की इनकम दे दूंगा मैं, मतलब तो इनकम बना दूंगा उसको। अभी तुमको मैं अप्लाई मान, तो फिर से बता दूँ क्या हुआ, क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, आप AO के पास गए, AO के पास आपने डिक्लेरेशन दिए ड्यू डेट ऑफ ROI के पहले कि सर हमको पैसा अभी तक मिला नहीं है इसलिए हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो AO बोलेगा एक बात की प्रॉमिस करो कि तुमको जिस साल मिलेगा उस साल अप्लाई कर दोगे, और उस साल नहीं कर पाए तो उसके नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर दोगे, ठीक है? तो अपन बोलेंगे ठीक है सर मान गए हम कर देंगे। AO फिर ये बोलेगा अगर नहीं किए तो जिस साल मिला तो ठीक है छोड़ दूंगा, बट उसके नेक्स्ट ईयर की मैं इनकम बना दूंगा। तो अपन बोलेंगे चलो सर ठीक है मान, ठीक है। तो भाई लिखा मैंने जब मिलेगा तो अप्लाई कर देंगे, तो जिस साल मिला उस साल या फिर उसके नेक्स्ट ईयर अपन खर्चा कर देंगे, नहीं अप्लाई किया तो इस साल की इनकम बन जाएगी, किस साल की? जो नेक्स्ट ईयर था उसका, ठीक है? तो अप्लाई माना जा सकता है, अभी अप्लाइड माना जा सकता है इस साल में, अगर अपन ने AO को डिक्लेरेशन दे दिया, प्रॉमिस कर दिया AO से कि भाई हम जिस साल मिलेगा उस साल या फिर उसके नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर देंगे, ठीक है? अब और कोई रीज़न है तो SEC फिर से AO को डिक्लेरेशन देगा कि सर हम नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर देंगे प्लीज़ हमको माफ़ कर दो। तो मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको एकदम मार्च में लास्ट में पेमेंट मिला या फिर आपने कुछ प्लान किया था पर हो नहीं पाया, तो आप AO के पास जाओगे सर सर प्लीज़ हमको माफ़ कर दो हम नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर देंगे, अभी आप अप्लाई में ले लो नहीं तो हमको टैक्स लग जाएगा। तो AO बोलेगा ठीक है मान गया, AO बहुत दिलदार है, AO मान गया कि ठीक है पर नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर देना।
तो ये भी करना पड़ेगा, ड्यू डेट ऑफ आर ओ आई के पहले सबमिट करना पड़ेगा डिक्लेरेशन, और नहीं अप्लाई किया तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की इनकम बन जाएगी। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे फिर से समझ लो। एक तो मतलब समझा दो पूरा सेक्शन फिर से कि अगर 85% अप्लाई नहीं हो पाया इस साल, खर्चा नहीं कर पाया अपन, तो भी अप्लाइड माना जा सकता है, इस साल ही अप्लाइड माना जा सकता है। दो रीज़न, दो केस में, या तो वो आउटस्टैंडिंग है या तो कोई अन्य अदर रीज़न है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग के केस में अपन ईओ को डिक्लेरेशन देंगे कि सर जिस साल मिलेगा उस साल हम खर्चा कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं किए तो उस साल या फिर उसके नेक्स्ट ईयर आप टैक्स कर देना। ठीक है, दूसरा रीज़न कोई और रीज़न है कि हम इस साल कर नहीं पाए, तो ईओ के पास जाओगे, डिक्लेरेशन दोगे, ईओ को बोलोगे सर हम अगले साल ही कर देंगे, इसमें तो मिल गया है ना, एनी अदर रीजन में ये मिल गया है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो इस साल मिल गया है तुमको, पर तुम अप्लाई नहीं कर पाए। सर को बोलोगे सर इस साल हम नहीं कर पाए पर अगले साल पक्का कर देंगे, अगर अगले साल नहीं कर पाए तो आप अगले साल टैक्स लगा देना। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब होता है सेक्शन 11(2). अब क्या होता है गाइस, कभी भी क्या होता है कि जो ये मंदिर मस्जिद वगैरह सब बनते हैं, ये एक साल में नहीं बनते कि अभी इनकम आई, अभी डोनेशन आया, बन गए, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट रहता है। बहुत बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, बहुत बड़े बड़े ये सब होता है, तो इसमें ना कई बार इनकम अपन एक्यूमुलेट करके रखते हैं, तो वो एक्यूमुलेशन को भी अप्लाइड माना जा सकता है। तो ठीक है, तो क्या है, एग्जेम्पशन इफ इनकम एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो ऐसी कंडीशन है, कुछ कुछ कंडीशंस है, उसी वो कंडीशंस फॉलो ही तभी अप्लाइड माना जाएगा, नहीं तो नहीं अप्लाई माना जाएगा। मतलब अगर आपने एक्यूमुलेट करके रख लिया तो उसको अप्लाई माना माना जाता है। तो अब मतलब क्या कंडीशंस है, तो एसएससी ना एओ को पीरियड और पर्पस बताएगा कि सर हम इतने साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और इसका ये पर्पस, हम ये बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, फिर जो भी चीज़ बना रहे हैं, तो इतने साल के हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये बोलेगा ठीक है चलो, एओ बोलेगा पर मैक्स पीरियड में 5 साल तक एक्यूमुलेट करने दे सकता हूँ तुमको, तुमको 5 साल में जो बनाना है बना लो, उसके बाद एक्यूमुलेट करने नहीं दे सकता। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर ठीक है हम 5 साल में बना लेंगे। ठीक है, और ये बोलेगा एक और चीज़, आपको ना सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेफ इन्वेस्टमेंट मोड्स है कुछ लाइक सेक्शन 11(5) के। ठीक है, उसमें ही कुछ 5-6 मोड्स है, उसमें ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी हम मानेंगे। तो अपन बोलेंगे चलो ठीक है सर मान जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते वो पैसा, तुमने अप्लाई एक्यूमुलेट कर लिया, अब वो किसी और ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते, सीधी बात है, वो तुमने खुद के लिए किया, खुद के लिए करो। अब देखो एक लिखा मैंने एक बात कि एक बोनस ईयर मिलेगा पीरियड के बाद, उस साल में अप्लाई कर दो, नहीं तो उस साल की इनकम बन जाएगी। अब देखो क्या होता है कि जैसे तुमको 5 साल का तुमने एक्यूमुलेट किया, ठीक है, अब 6वें साल ये देखेगा कि तुमने इस साल 6वें साल अप्लाई किया है कि नहीं, अभी तक 5 साल का तुमने एक्यूमुलेट किया था, इस साल अप्लाई किया है कि नहीं। अगर तुमने इस साल अप्लाई कर दिया तो ये छोड़ देगा, बट अगर तुमने इस साल अप्लाई नहीं किया 6वें साल, तो तुमको 6वें साल की इनकम बना देगा। मान लो तुमने 3 साल के एक्यूमुलेट किया है, तो 4थे साल ये वो देखेगा कि तुमने 4थे साल में अप्लाई किया है कि नहीं। अगर 4थे साल में अप्लाई नहीं किया, तुम या तो 3 साल में कर दो या तो 4th ईयर कर दो, 4th ईयर में नहीं किया तो 4th ईयर की इनकम बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 11(3). अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। अभी जो कंडीशन से ऊपर की, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, सीधी सी बात है। और अब ये पैसा अगर तुमने किसी दूसरे पर्पज़ के लिए अप्लाई कर दिया अदर देन जिसके लिए एक्यूमुलेट किया था, तो जिस साल अप्लाई किया उस साल प्रीवियस ईयर की इनकम बन जाएगी। मतलब तुमने कुछ और चीज़ के लिए एक्यूमुलेट किया था और कुछ और ही खर्चा कर दिया उसको, तो वैसा नहीं चलेगा। अगर वैसा किया तो वो अप्लाइड माना जाएगा, ए वो इनकम बन जाएगी, उसको डिसअलाउ कर देंगे, इनकम बन जाएगी तुम्हारी उस साल की, जिस साल तुमने किसी और चीज़ पर अप्लाई किया। ठीक है, अब सेक्शन 39 बोलता है कि जो एग्जेम्पशन है ना 11(2) का, ये दो ही केस में मिलेगा। किस केस में, एक तो तुमको एओ के पास स्टेटमेंट देना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ आरओआई के पहले, दूसरी चीज़ आपका जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो ड्यू डेट के पहले फाइल होना चाहिए। तो दो केस कौन से हैं, एक तो आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ आरओआई के पहले, और दूसरा आपको आरओआई फाइल करने पड़ेगा ड्यू डेट तक। ठीक है, हाँ भाई, सेक्शन 11(4)(4) है। अब मेरे को बताओ, ट्रस्ट इतने बड़े बड़े ट्रस्ट रहते हैं तो उनका बिजनेस रहता है ना, ठीक है, तो ये बिजनेस इनकम जो आती है ट्रस्ट की, वो भी चैरिटेबल मानी जाएगी क्या, उसमें भी वो 85% 15% होगा क्या? ठीक है, तो वो एक ही केस में होगा अगर बिजनेस अगर इंसिडेंटल है टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, और सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की गई है, तो सेक्शन 11(1) और 11(2) का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब तुमको अगर एग्जेम्पशन चाहिए 85% 15% कॉर्पस का, तो तुमको तुम्हारा बिजनेस जो है
वो इंसिडेंटल होना चाहिए टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट. ठीक है, जो ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्ट है उसके इंसिडेंटल हुआ तो चलेगा. बट अब मेरे को बताओ इसमें क्या होता है कभी कभी, जैसे ट्रस्ट का बिजनेस है कोई, ट्रस्ट ने उसकी इनकम बताई 50 लाख, मान लो 30 लाख बताई है इनकम उसने, ट्रस्ट ने तो 30 लाख इनकम बताई है, तो उसमें तो 85% 15% वाला चीज़ हो जाएगी, सब हो जाएगा, वो एग्जेम्पशन प्रॉपरली जैसा नॉर्मल ट्रस्ट की जो इनकम रहती है वैसी मानी जाएगी. बट जब एओ ने, एओ असेसमेंट कर रहा है आपका ट्रस्ट का, और उसने कुछ कंसील इनकम निकाला कि यार तुमने 10 लाख तो दिखाया नहीं है, ये 10 लाख तुमने नहीं दिखाया है, तुमने कंसील किया है, तुमने चुराया 10 लाख रुपए, तो वो जो 10 लाख है ना वो पूरा टैक्सेबल होगा. उसमें वो 85% 15% कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, उसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा 11(1) 11(2) का, वो पूरा टैक्सेबल होगा. देख मैंने लिखा है, अगर एओ को कोई कंसील्ड इनकम मिली तो उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पूरी टैक्सेबल होगी. ठीक है, मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना. बहुत आसान भाषा में पूरा ट्रस्ट चैप्टर कवर किया मैंने इसमें, एंड बहुत छोटे से नोट्स हैं, तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, सब याद हो जाएगा एकदम जल्दी जल्दी, और पढ़ के बहुत जल्दी हो जाएगा एग्जाम के एक दिन पहले. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन है 11(7). अगर ट्रस्ट सेक्शन 11(1) के एग्जेम्पशन 11(1) और 12 के एग्जेम्पशन ले रहा है तो सेक्शन 10 का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. क्या, अगर ट्रस्ट ये जो एग्जेम्पशन ले रहा है 11 के और 12 के, तो उस केस में ट्रस्ट को कोई भी सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. बट इसके दो एग्जेम्पशन एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन, सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम और 1023C. ठीक है, 1023C क्या होती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की इनकम होती है. ठीक है, अब 1023C के भी मैं 2-3 पॉइंट को बताऊंगा आखिरी में, बस ध्यान रखना, मतलब मेरे को याद रखना पड़ेगा, आप कैसे याद रखोगे, आप भी याद रखना, बताने वाला हूँ मैं 1023C कौन से दो ट्रस्ट सेक्शन है, सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम और 1023C, ये दोनों के एग्जेम्पशन मिल जाते हैं, ट्रस्ट 11(12) ले रहा है, पर बाकी कोई सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखना बच्चे से. ठीक है, अब सेक्शन 12 है, कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11(12). ठीक है, कुछ कंडीशन है वो एप्लीकेबल, मतलब वो अगर कंडीशंस फॉलो होगी तभी एग्जेम्पशन मिलेगा 11(12) का. ठीक है, तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 12A. क्या, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 12A. एग्जेम्पशन उस साल से मिलेगा जिस साल एप्लीकेशन दी जाएगी, जिस साल एप्लीकेशन दी जाएगी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए उस साल से एग्जेम्पशन मिलेगा. अब मान लो आपने ट्रस्ट के एप्लीकेशन दिए, मतलब दिसंबर 19 में दे दिए. ठीक है, और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ मई 2020 में, आपने एप्लीकेशन कब दिया, दिसंबर 19 में, आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, मई 20 में, तो आपको 19-20 से ही वो मिलना चालू हो जाएगा क्या, ट्रस्ट का एग्जेम्पशन. जिस साल एप्लीकेशन देंगे उस साल से मिलना चालू हो जाता है एग्जेम्पशन. ठीक है, इफ टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, मतलब जो भी आपकी टोटल इनकम है ट्रस्ट की, अगर बेसिक से ज्यादा है क्लेम एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले, तो आपको ट्रस्ट के ROI के साथ ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, मतलब 2.5 लाख से ऊपर है तो. अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे कि अब नॉर्मली मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे अभी ऊपर, कि जिस साल से एप्लीकेशन दी जाएगी ना उस साल से एग्जेम्पशन अवेलेबल होता है. ठीक है, मतलब उसके पहले का नहीं मिलता है एग्जेम्पशन, जिस साल तुमने एप्लीकेशन दी उस साल से ही मिलता है. बट मुझे बताओ कि क्या होता है कभी कभी कि एओ ना आपके पिछले सालों के असेसमेंट कर रहा है. ठीक है, अब आपने क्या हुआ, आपने अप्लाई अभी किया, इस साल किया, अभी पिछले साल के आपके असेसमेंट चल रहे हैं, रीओपनिंग हुई, आपके असेसमेंट चल रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, आपकी एक्टिविटी ट्रस्ट की सेम है, सेम एक्टिविटी है, जिस बेसिस पे अभी अभी जो एग्जेम्पशन अपने को अभी जो रजिस्ट्रेशन मिल रहा है ना, जिस एक्टिविटी पे मिल रहा है, जिस बेसिस पे मिल रहा है, वो एक्टिविटी सेम है आपके पिछले सालों में. ठीक है, तो उस केस में ना वो असेसमेंट ईयर में भी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11(12) मिल जाएगा. मतलब क्या, फिर से सुनो, अगर ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन की डेट पे अगर एओ के पास केस पेंडिंग है और एओ ने आपके पिछले सालों का असेसमेंट खोला है, ठीक है, और उसमें भी आपकी एक्टिविटी जो है अभी सेम है, मतलब अभी जो है ना, अभी जो आप जिस बेसिस पे अभी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो वही एक्टिविटीज है पिछले सालों में, तो एओ क्या बोलेगा, एओ आपको बताया दिलदार है, वो बोलेगा चलो ठीक है, तुमको जो पिछले साल तुम्हारे जो खुले हुए हैं ना उस पर भी तुमको दे दूंगा मैं एग्जेम्पशन. ठीक है, 11(12) में एग्जेम्पशन उन सालों में भी मिल जाएगा. आपने फिर से सुनो, अप्लाई आपने इस साल किया हो, पर आपका एग्जेम्पशन कब मिल रहा है, इस साल तो मिल ही रहा है, पिछले सालों का भी मिल रहा है,
जिसका केस अभी पेंडिंग है योगी पास, ठीक है। अब देखो 147 रीअसेसमेंट अगर आपने पढ़ा होगा, मेरे से पढ़ा होगा या फिर किसी से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि उसमें रीजंस टू बिलीव नॉट रीजंस टू बिलीव रहते हैं। तो रीअसेसमेंट में रीजंस टू बिलीव ये नहीं हो सकता कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था इन एनी प्रीसीडिंग एवाय। मतलब जब भी रीअसेसमेंट होता है 147 का, तो उसमें कुछ होते हैं रीजंस टू बिलीव जिस बेसिस पे एओ रीअसेसमेंट करता है, ठीक है। तो उसमें रीजंस टू बिलीव में ये कभी नहीं हो सकता कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं था, ये रीजन टू बिलीव नहीं मान सकता। ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था तब भी चलेगा प्रीवियस ईयर में। मतलब उसमें होता है ना, आपको अगर याद होगा तो, कि रीजंस टू बिलीव होते हैं जिस बेसिस पे रीअसेसमेंट हो सकता है। तो ये कभी रीजन नहीं हो सकता कि ट्रस्ट भाई रजिस्टर्ड ही नहीं था, ये कभी बेसिस हो ही नहीं सकता रीअसेसमेंट का, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट हो गए। अब ये जो ऊपर दोनों पॉइंट बोला मैंने, इसका जो बेनिफिट है नहीं मिलेगा दो कंडीशंस में, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया ट्रस्ट ने पहले पर उसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया सीआईटी ने, सीआईटी आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करता है रिजेक्ट करता है, तो आपने पहले अप्लाई किया था पर सीआईटी ने रिजेक्ट कर दिया था वो एप्लीकेशन आपका, या फिर पहले रजिस्ट्रेशन था आपका पर कैंसिल हो गया, रजिस्टर्ड थी ट्रस्ट पहले पर कुछ रीजंस कारण कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन। तो ये दोनों केस में दोनों बेनिफिट है ना, ऊपर के जो बताया पिछले साल में आपको मिल जाएगा, ये आपको दे देगा पिछले साल का वो, और ये जो रीअसेसमेंट का रीजन नहीं मान सकते, ये दोनों जो बेनिफिट है ये नहीं मिलेगा अगर अगर आपने पहले अप्लाई किया था और सीआईटी ने रिजेक्ट कर दिया आपकी एप्लीकेशन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर आपका पहला रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी था पर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया। अब एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11-12 है, वो कुछ केस में पॉसिबल नहीं है, नहीं मिलेगा कुछ केस में। इनकम फ्रॉम प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, मतलब तुम्हारा कुछ प्राइवेट पर्पस है, तुम्हारा खुद का घर का मंदिर है, ये सब में नहीं चलेगा प्राइवेट पर्पस है। तो इनकम फॉर द बेनिफिट, मतलब इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट और कम्युनिटी, कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट कम्युनिटी के लिए हुआ तो नहीं चलेगा। इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, कोई स्पेसिफाइड पर्सन है उसके लिए ये आपकी इनकम है। और फंड्स नॉट इन्वेस्टेड इन सेक्शन 11(5) सेफ मोड, जो सेफ मोड 11(5) के उसमें अगर इन्वेस्टेड नहीं है तो उस केस में भी क्या होगा, एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा 11(12) का। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, तो या तो ऑथर फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, पीपल हु मेड डोनेशन मोर देन 50K वो भी इसमें आएंगे, मेंबर ऑफ HUF इफ फाउंडर डोनर इज HUF, ठीक है, ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ HUF, ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ ट्रस्ट, सॉरी HUF बोल दिया, ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ ट्रस्ट, ए रिलेटिव ऑफ एनी अबव, इन पांचों इन लोग में से किसी का भी रिलेटिव, रिलेटिव कौन होगा जो सेक्शन 56 में पढ़ते हैं अपन, वो रिलेटिव होगा, ठीक है। अब अगर स्पेसिफाइड पर्सन को, अब ये जो स्पेसिफाइड पर्सन बताया मैंने, इसमें से कुछ ट्रस्ट अगर स्पेसिफाइड पर्सन को एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी दे देगी, ठीक है, फ्री में देगी, मतलब जैसे मान लो कोई पेशेंट है आपका, रिलेटिव है ट्रस्ट का, आपका चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें अपन ने क्या किया, एक पेशेंट है डॉक्टर का रिलेटिव है, या फिर अपने जो ट्रस्ट का ऑथर है उसका रिलेटिव है, मतलब स्पेशल पर्सन कोई भी है, अपन को 3 लाख रुपए लेने चाहिए थे सर्जरी के उससे, पर उनसे पैसे ले सकते हैं कि अपन नहीं ले सकते, मतलब पर तो जो हॉस्पिटल है वो नहीं लेगा पैसे, तो उस केस में वो जो पैसे उनसे नहीं लिए ना वो अपनी इनकम बन जाएगी, इनकम ऑफ ट्रस्ट ट्रीट कर लिया जाएगा उसको। मतलब ऐसी कभी कोई स्पेसिफाइड पर्सन को एजुकेशनल या फिर मेडिकल फैसिलिटी दी गई तो जो सर्विस की FMV या वैल्यू है ना उसको अपन सर इनकम मान लेंगे ट्रस्ट की, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी ना एक्सपेंडिचर, अब ये ऊपर से अलग पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है एक्सपेंडिचर ना इनकम से ज़्यादा हो जाता है, मतलब मान लो आपकी इनकम ऑफ द ट्रस्ट है 20 लाख रुपये, आपने एक्सपेंडिचर कर लिया 40 लाख रुपये, तो 20 लाख जो आपने ज़्यादा अप्लाई कर लिया उसका क्या होगा, तो ये जो आपने 20 लाख ज़्यादा अप्लाई किया ना वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में अप्लाइड में ले लेंगे अपन, ठीक है। तो सेक्शन 11 है क्या बोलता है कि कैपिटल गेन डीम टू बी अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस अगर पुराना एसेट बेच के न्यू एसेट ले लिया तो। अब मान लो कोई ट्रस्ट है उसने पुराना एसेट बेचा उस पर उसको कैपिटल गेन हुआ, बट उसने अब नया एसेट ले लिया उतने पैसे से, तो वो कैपिटल गेन एग्जाम माना जाता है, उसको अप्लाइड माना जाता है, अप्लाइड इनकम मान लिया जाता है। बट इसमें कुछ चीज़ है कि आपको जो पूरा नेट कंसिडरेशन मिला है अगर आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, पर अगर आधा किया
तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब जो नए एसेट की कॉस्ट है और उसमें से ओल्ड एसेट की जो कॉस्ट है वो दोनों माइनस कर देंगे, तो मतलब जो आपने जितना अप्लाई किया उतना मिल जाएगा, जितना नहीं किया उतना आपको कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एनोनिमस डोनेशन। कभी कभी क्या होता है, ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन मिलता है बहुत सारी जगह से, तो ये अपन 30% से टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 115 PBC। तो एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल होता है 30% से, बट पूरा एनोनिमस डोनेशन 30% टैक्स नहीं होता, उसमें से कुछ अपन डिडक्ट करते हैं। क्या माइनस करते हैं उसमें से, हायर ऑफ 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1,00,000 विच एवर इज हायर, मतलब हायर ऑफ 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1,00,000। अब ये 5% ऑफ टोटल डोनेशन कैसे निकालते हैं, जितना डोनेशन मिला ट्रस्ट को, कॉर्पस एनोनिमस नॉन एनोनिमस गवर्नमेंट ग्रांट जो भी मिला है, सब जितना डोनेशन मिला है वो पूरा ऐड करते हैं, उसका 5% निकालते हैं और 1,00,000 इसमें से जो हायर है ना वो अपन माइनस करते हैं किससे, एनोनिमस डोनेशन से माइनस करते हैं। चलो आपको एग्जांपल समझाता हूँ एक, कि आपको अगर मान लो 5,00,000 एनोनिमस डोनेशन मिला है, ठीक है, अब आपका मान लो ट्रस्ट का टोटल डोनेशन है 20 + 10 + 10, 40,00,000 आपका टोटल डोनेशन है ट्रस्ट का, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे 5,00,000 आपको एनोनिमस मिला है, 30% टैक्सेबल होगा, पर पूरा 5,00,000 हुआ गया नहीं, उसमें से कुछ माइनस होगा। क्या माइनस होगा, 5% ऑफ टोटल डोनेशन। अब 40,00,000 का 5% कर लेंगे, ठीक है, 40,00,000 का 5% कितना होता है, 2,00,000 रुपये, ठीक है, 2,00,000 रुपये ये और 1,00,000। अब 2,00,000 और 1,00,000 कौन सा हायर है, 2,00,000, तो इसमें से 2,00,000 माइनस हो जाएगा, बचेगा 3,00,000, तो 3,00,000 इंटू 30% हो जाएगा, ठीक है, और बचा हुआ 2,00,000 है आपका, ठीक है, ये बचा हुआ 2,00,000 नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगा ट्रस्ट की बची हुई इनकम में, फिर उसका 85-15% करेंगे अपन, ठीक है, वो पूरा फिर नॉर्मल चलेगा, वो नॉर्मल इनकम बन जाएगी ट्रस्ट की, पर ये जो बाकी जो बचा हुआ है वो 30% से टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। अब क्या होता है कि एनोनिमस डोनेशन रिसीव होता है रिलीजियस ट्रस्ट, होल्ड रिलीजियस ट्रस्ट को अगर रिसीव हो रहा है तो नॉट टैक्सेबल एट 30% होता है, मतलब वो नॉर्मली टैक्स होता है, ठीक है, मतलब होल्ड रिलीजियस ट्रस्ट है तो उसको अगर कोई एनोनिमस डोनेशन मिला तो चलता है, ठीक है, वो 30% टैक्सेबल नहीं होगा, वो नॉर्मली जो टैक्सेबल होता है ना 85-15 और जो नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स होता है वैसे ही होता है, वो 30% से नहीं होगा, बट जो अगर चैरिटेबल रहा तो उसको 30% टैक्स करते हैं अपन। बट आप बोलोगे सर अगर आधा रिलीजियस रहा आधा चैरिटेबल रहा तो, जो रिलीजियस वाला पार्ट है ना वो हटा देंगे, सिर्फ जो चैरिटेबल वाला जो रिलीजियस वाला पार्ट है वो नॉर्मली टैक्स करने जाएगा, तो चैरिटेबल से एनोनिमस हुआ है उसको अपन 30% वाला सेक्शन लगाएंगे, ये 115 PBC, ठीक है। अब गाइस ये फाइनली अपना चैप्टर खत्म हो गया, दो बातें आपको इसके अलावा पता नहीं मुझे, एक तो क्वेश्चन आते हैं आपको उसमें ना इनकम वाला जो 15% अपन निकालते हैं ना वो बोलता है 15% काय पे निकालना है, तो 15% आपको इंस्टीट्यूट बोलता है ग्रॉस इनकम पे निकालना चाहिए, बट अगर अपन प्लेन सेक्शन पढ़े तो वो ग्रॉस माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस की जो नेट इनकम आती है ना उस पे निकालना चाहिए, तो दोनों व्यूज पॉसिबल है इसके। आपने अगर पहले आज से ट्रस्ट पढ़ा है तो ये चीज़ पक्का देखी हुई क्वेश्चंस में कि कई जगह ग्रॉस इनकम पे 15% निकालते हैं, कई जगह नेट इनकम पे 15% निकालते हैं, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको दोनों चीज़ करना है, एक आप ग्रॉस इनकम से सॉल्व कर दो और नेट इनकम वाला अल्टरनेटिव बता के आओ नोट्स में, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बता के आनी है पेपर में। आप एक चीज़ से करके आओगे, हो सकता गलत हो जाए, हो सकता सही भी हो जाए, बट चांसेस ज़्यादा है कि गलत हो सकता है, इसलिए दोनों अल्टरनेटिव आपको बताने हैं पेपर में, ठीक है। और दूसरी चीज़ गाइज मैंने आपको बोला था सेक्शन 1023 से बताऊंगा मैं आपको, तो 1023 से में क्या है गाइज कि अगर कोई ना इसमें एग्जेम्पशन है कॉलेज यूनिवर्सिटी और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को कि हॉस्पिटल्स को, अगर आपका जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है अगर होल्ली या सब्सटेंशली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट का ग्रांट उसमें 50% से ज़्यादा है, तो उस केस में उसकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन 1023 सी बोलता है कि अगर कोई स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर जो भी हॉस्पिटल है आपका, वो अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है मतलब
होल्ली या सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है, मतलब 50% से ज़्यादा उसमें गवर्नमेंट ग्रांट है, तो उस केस में उसकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, पूरी की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, फर्स्ट चीज़ ये। सेकेंड पॉइंट उसमें है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर आपका हॉस्पिटल है, वो अगर अपना काम बरोबर कर रहा है, मतलब वो जिस पर्पज़ के लिए फाउंड हुआ है वही पर्पज़ कर रहा है, एंड उस पर्पज़ से जो उसकी ग्रॉस रिसीट्स है वो 1 करोड़ से कम है, क्या बोला मैंने, अगर 1 करोड़ से कम है तो वो भी पूरी, उसकी भी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन में ऐसा आएगा ट्रस्ट के कि 90 लाख अगर इनकम है ट्रस्ट की और उसका काम है एजुकेशन का या हॉस्पिटल का, तो पूरी की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, 1 करोड़ से कम है मतलब पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेक्शन 1023C हो गया आपका, और ये यहाँ पे आपका ट्रस्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। ये नोट्स गाइज आप प्रिंट कर लेना, प्रिंट करके पढ़ लेना, डाउनलोड करके, मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत आसान भाषा में मैंने समझा दिया हूँ ये चैप्टर पूरा, अब इसके बाद आपको कोई डाउट्स नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना, ट्रस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, पेपर में ट्रस्ट में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही पक्का, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। एंड इसमें कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, एंड चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।